आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अप्रैल माह के खाद्यान्न 25 अप्रैल तक वितरण करने के निर्देश, कलेक्टर ने ली उपार्जन समिति की बैठक। कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने 4 अप्रैल को उपार्जन समिति की बैठक लेकर समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना की खरीदी, खरीफ सीजन 2024 और 25 के लिए खरीफ फसलों के बीज और उर्वरक की उपलब्धता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी BS जमरे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के CEO श्री PS धनवाल, कृषि विभाग श्री ठाकुर मार्केटिंग फेडरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक श्री रावत, वेयरहाउस के जिला प्रबंधक श्री ओसारे और कृषि उपज मंडी के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया, समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिले में 50 केंद्र बनाए गए, समर्थन मूल्य पर चना के उपार्जन के लिए 12 केंद्र बनाए। उपार्जन केंद्रों के लिए बनाए गए नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उन्हें आवंटित केंद्रों के किसानों से संपर्क कर और सुनिश्चित करें कि एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक केंद्र पर कम से कम एक किसान से खरीदी हो जाए। खरीफ सीजन 2024 और 25 में किसानों के लिए कपास, मक्का, सोयाबीन के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का भंडारण करने के निर्देश दिए गए। खरीफ सीजन के लिए किसानों से यूरिया और DAP का अग्रिम उठाव कराने के निर्देश दिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि माह अप्रैल के खाद्यान्न का उठाव 17 अप्रैल तक कर लिया जाए और हितग्राहियों को 25 अप्रैल तक खाद्यान्न का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाए। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि माह अप्रैल के लिए जितने गेहूं का कम आवंटन मिला है उसकी पूर्ति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें और 2 दिनों के भीतर जिले के लिए पर्याप्त गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अधिकारी इस बात का भी ध्यान रखें कि उचित मूल्य दुकान से किसी भी हितग्राही को अमानक स्तर का खाद्यान्न वितरित न हो। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।